हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, सबने मैसेज किया था कि माइलेज कितना दे रही है। जैसे कि मैंने अपनी डिलीवरी दिखाई थी कि बलिनो की, कैसे डिलीवरी हुई थी, हमारा कितना अच्छा से हुआ था। नेक्सा शोरूम वाले ने काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया था हमें और काफ़ी मज़ा आया। और आपको मैंने दिखाया था कि हमने पार्ट वन और टू मैंने दो वीडियो डाली हैं। खाटू श्याम गए थे हम इसी कार से, और इसमें आपको आपका काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि एवरेज क्या दे रही है और रेंज वगैरह, मतलब इसकी कितने किलोमीटर आपने चला ली और किस हिसाब से आपको, मतलब मैं आपका पूरा जर्नी के बारे में बताऊंगा कि इसमें माइलेज क्या क्या हमें मिला, तो और सिटी में और हमारे रोड पे हाईवे पे कितना माइलेज मिला। बट लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये गाड़ी जैसे हमने खड़ी की है आके कल, तो अभी मैंने अभी ऑन की थी गाड़ी, तो इसमें शो हो रहा है, देखो आप देख सकते हो 27 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से इसमें शो हो रहा है एवरेज फ्यूल कैपेसिटी। जो इकोनॉमी है, जो हमारी एवरेज फ्यूल, वो 27 की माइलेज दिखा रही है। और अभी आप देख सकते हो कि हमने 894 किलोमीटर चला चुके हैं और रेंज अभी भी इसमें 196 है। और पेट्रोल अभी आप देख सकते हो हाफ से थोड़ा सा कम है, बट हाफ की अकॉर्डिंग मतलब अप्रोक्स है। तो दोस्तों, इसका माइलेज ना सच में बहुत अच्छा है, और इसे मैंने फुल ऑन हाईवे पे क्रूज कंट्रोल पे डाल के चलाया था, तब इसमें माइलेज, मैं सच बता रहा हूँ, इसमें मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने गाड़ी चलाई थी हाईवे पे एकदम क्रूज पे डाल के, 80 और 90 के बीच में। तो इसमें 30 का माइलेज मतलब शो हो रहा था, मैं भी शॉक हो गया था वो चीज़ देख के। बट मुझे नहीं पता ये 30 का रियल में दे रही थी या नहीं दे रही थी, बट इसमें शो हो रहा था 2 घंटे से बकायदा, मतलब पूरी तरह शो हो रहा था अच्छे से, और काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे ही मैं जैसे सिटी वगैरह में गया और थोड़े से रोड बेकार भी आए थे, तो माइलेज घट भी गया था, 20 के करीब 18 के करीब आ गया था। बट लेकिन यार, माइलेज में तो ये समझ लो किंग है आई थिंक, क्योंकि जिस हिसाब से 30 का माइलेज दिखा रही थी ना, तब मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा लगा। और अभी भी आप देख सकते हो 27.2 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, और 9894 894 किलोमीटर मैंने चला चुका हूँ। इसकी फर्स्ट सर्विस भी आने लगी, कुछ टाइम बाद में फर्स्ट सर्विस भी कराने जाऊँगा। तो दोस्तों, माइलेज के मामले में तो काफ़ी सही है कार ये, और मतलब माइलेज आपको ठीक ठाक दे ही देगी। सिटी में आप चलाओगे तो भी 18 से 20 का आपको माइलेज दे देगी, और अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो काफ़ी अच्छा मतलब 23 24 का माइलेज निकाल सकते हो। जब 30 दिखा रही है वो देखते हैं, मतलब कुछ टाइम एरर भी आया था, मैंने जैसे शो किया था अपने मतलब रियल टाइम इसका माइलेज देखा था, तो इसमें कुछ एरर भी आता है 2-4 किलोमीटर का। तो जैसे 30 दिखा रही, तो उस हिसाब से तो आप लगा सकते हो कि 24 का तो 100% दे ही रही होगी। तो अब 27 दिखा रही है, तो शायद 22 का भी दे रही हो, तो 2-4 किलोमीटर का इसमें एरर आता है। बाकी माइलेज की तरफ से तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, और मैं पूरी फुल जर्नी में अभी करीब करीब 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चली है कार। मतलब मैंने कैलकुलेट करके देखा था अपने उसमें, तो जैसे जैसे मैंने पेट्रोल डलवाया था और जिस हिसाब से इसकी रेंज और जिस हिसाब से इसके किलोमीटर्स चल चुके हैं, तो उस हिसाब से 5 रुपये किलोमीटर भाई बहुत सही है। और पेट्रोल कार और इतनी अच्छी कार के लिए प्रीमियम कार है यार ये, जिस हिसाब से हम CNG लगवाते हैं, CNG में 3.5-3 का खर्चा आता है, 3 का तो आ ही जाता है AC ऑन करके, और इसमें AC पूरा टाइम चला है और 5 का माइलेज दे रही है, और 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा भी है, और काफ़ी सही माइलेज शो कर रही है। और मतलब मैं इस कार से वैसे भी बहुत खुश हूँ, और मेरी फेवरेट कार तो है ही है, काफ़ी अच्छी कार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको माइलेज का वगैरह का पता लग गया, और आप देख सकते हैं करीब करीब 900 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ, 27 की माइलेज शो हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छी कार है यार, सच में काफ़ी अच्छी कार है। थैंक यू दोस्तों, हमारे अगर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।